यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हम लाइन में लगे तो बड़ा दयालु है, बहुत से अनोखे प्रश्न है, बहुत सी चटपटी बातें हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे जो बाबा के भक्त, यहाँ पे बम बम बोले के जो नारे लगाए जा रहे हैं। इतने समय मैं कॉरिडोर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो लंबी कतार, जो कि ये लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि ये लाइन ग्रीन पार्क तक है, वहाँ तक तो हम लोग जाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि हमारे जो कैमरा मैन है, जो बैक कैमरे के पीछे हैं, उनका भी आज व्रत है सावन के सोमवार का। चलिए हम आगे और भी रुख घुमाते हैं, और भी बातचीत होगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, कैमरामैन कुलदीप त्रिवेदी के साथ, आनंदेश्वर धाम कानपुर उत्तर प्रदेश। ऋषभ शुक्ला, आप देख रहे हैं यूमी 78 इंडिया न्यूज़। आज हम लोग एक बार फिर से मौजूद हैं कानपुर के मिनी काशी जाने की बाबा आनंदेश्वर के विशाल धाम में। जैसा कि अभी जो बाबा की भोग आरती हुई है, इसमें कि आप हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं बाबा की विशाल लंबी कतार, जो कि सावन का तृतीय सोमवार है। इस सोमवार के खास उपलक्ष्य में जो बाबा की जो आरती, जो मंगला आरती, जो कि 2 बजे हुई थी, महाअभिषेक हुआ था बाबा का, वो सब आपको यूपी 78 इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया गया था। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ बाबा के भक्त मौजूद हैं, बाबा के सेवक मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं बाबा के बारे में, और यहाँ मंदिर की क्या विशेषताएँ हैं, क्या खासा इंतजाम करे गए हैं उसके बारे में। हमारे साथ बाबा के सेवक मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं बाबा के दरबार के बारे में कि इस सिद्धपीठ की क्या विशेषता है। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियांश शर्मा है, और मैं यहाँ सावन में जैसे सोमवार यहाँ पे आता हूँ, सेवा में लगता हूँ बाबा की, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे सेवा करने में। इस बाबा आनंदेश्वर धाम ये जो कि इस सिद्धपीठ की क्या विशेषता है? मतलब यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। यहाँ पे 4 धाम हैं जो बाबा के बहुत प्रसिद्ध हैं, सिद्धनाथ घाट भी उनमें से एक है, और हमारा ये परमट घाट भी बहुत मान्यता है, यहाँ के जो शिवलिंग है यहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कानपुर के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं भक्तगण, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से, और क्या नाम से शासन की तरफ से सब पूरे बैरिकेडिंग लगा रखी है इधर से उधर तक, महिलाओं की लाइन अलग से लगी हुई है, पुरुषों की लाइन अलग से लगी हुई है, मतलब किसी भी तरह की किसी को कोई कष्ट ना हो उसका सारा यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। और एक चीज़ और कि जैसे बहुत देर से भक्तगण लाइन में खड़े रहते हैं तो किसी को प्यास लगती है, तो मतलब यहाँ पे पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, थोड़ी थोड़ी देर में जितने भी सेवकगण हैं यहाँ पे तो वो आते रहते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं लाइन से उनको पूरा पानी का वितरण भी होता रहता है बीच बीच में, बाकी सब महादेव की कृपा है। जैसा कि यहाँ माना जाता है कि जो भी भक्त 41 दिनों का लगातार आता है, ये समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो क्या ये एक सत्यता घटना है कि ये केवल मंदिर के अनुसार ये बोला गया? जी, जैसा कि हमने बहुत लोगों के मुख से सुना है कि यहाँ की बहुत मान्यता है कि 41 दिन तक इस शिवलिंग को स्पर्श करने से और उस पर गंगा जल डालने से, उसमें प्रवाह करने से काफ़ी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन हर किसी के बस की नहीं होती है, बहुत उसके लिए श्रद्धा चाहिए होती है। 41 दिन देखने में सिर्फ 41 दिन है, लेकिन जब यहां पे आप अगर प्रण ले लेंगे तो काफ़ी कठिन हो जाता है, 41 दिन भी आपको मतलब कई सालों के बराबर लगने लगता है। जैसा कि यहां पे बोला जाता है कि जो बाबा का अनोखा स्लोगन है कि बाबा बड़े दयालु, और जो उनकी जो हर फोटो पे लिखा होता है कि तू चिंता मत कर मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका क्या शब्दार्थ? इसका शब्दार्थ यही है जो आपने अभी बताया कि 41 दिन तक शिवलिंग स्पर्श करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो मतलब एक आस्था है हमारे अंदर कि मतलब सच्चे दिल से अगर हम चाहे तो बाबा के एक हौसला मिलता है, भगवान के नाम से एक हौसला मिलता है, कार्य करने की एक शक्ति मिलती है, और प्रोत्साहन जब लोगों से मिलता है तो अंदर से काम करने का मन करता है, आपका जिस चीज़ में काम करना है आपको उसमें, और आप प्रेरणा से उसको करते हैं तो एक अंदर से जो आपकी शक्ति है काम करने की, तो उससे भी आपको जो आपके मनोकामना है, जो इच्छा है मन की, तो एक अंदर से भी हौसला आता है, बाकी बाबा का आशीर्वाद है तो वो, और मेहनत से और हिम्मत से और मन लगा के काम करता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। जैसा कि यहाँ पे जो बाबा के सेवक हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ बाबा की शिवलिंग के बारे में और बाबा के जो भक्तगण हैं, आप बराबर हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस ढंग से जो बाबा के सेवक हैं बराबर जो लाइन की जो व्यवस्था है कि किसी प्रकार से किसी भी भक्त को कोई भी दिक्कत ना महसूस हो, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रशासन भी मौजूद है, बाबा के सेवक भी मौजूद हैं, कि कोई भी भक्त
जड़ न मचे, आराम से सारे दर्शनार्थी अंदर दर्शन करते रहें। जैसा कि यहाँ पे जो कि दो लाइनें हैं कि महिलाओं की लाइनें अलग, पुरुष की लाइनें अलग, जो कि यहाँ पे जो कि ये अनोखा सिद्धपीठ धाम है। जबकि यहाँ बाबा के बारे में जो कि आप देख सकते हैं, बाबा के जो हर्ष उल्लास के द्वारा बाबा के दर्शन, इतने समय राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम हमारी जो किदोई नगर की है वो इतने समय बाबा के दरबार में अंदर है। अभी हम लोग अंदर भी चलते हैं और बाबा के दरबार में चलते हैं। बाबा के वहाँ पे जो अनोखे भक्त हैं जो बाबा की शिवलिंग स्पर्श कर चुके हैं, उससे भी उनसे भी पूछेंगे कि उनके बारे में। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे प्रशासन मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कितने घंटों से जो अपनी व्यवस्था को कायम करे हुए हैं, कितने घंटों से यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? अमरदीप सिंह। अमरदीप सिंह सर, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करी है तो किस ढंग से यहाँ पे दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, तो आपकी प्रशासन के अंदर किस तरह की व्यवस्था कर रही है? सभी जगह पे पिकेट लगे हुए हैं, लाइनें मेंटेन की हुई है, सभी को धीरे धीरे लाइनों में आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो या फिर कुछ भी अनोखा, जैसे जो चोरी चमारी होती है तो उसके लिए क्या प्रशासन ने इंतजाम किया है? उसके लिए कैमराज तो लगे हुए हैं, बाकी सभी जगह फोर्स अलर्ट है, विकेट लगी है जगह जगह पे, सभी लोग हैं, अलर्ट है सभी, मतलब अलर्ट है, अलर्ट पोजीशन, अलर्ट पोजीशन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ना भगदड़ हो। जैसा कि यहाँ पे जो हमारे साथ प्रशासन के सर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो चोरी चमारी के लिए है तो किसी प्रकार की कोई भी भक्त को किसी प्रकार